तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेल के सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास एयर कंडीशन जो डब्बे होते हैं उनके अंदर आपको क्या क्या एमिनिटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। फिलहाल मैं हूँ इंदौर रेलवे स्टेशन पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंदौर रेलवे स्टेशन है और जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ये है इंदौर से चल करके दिल्ली को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस गाड़ी के सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास इन तीनों ही डब्बों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेकंड क्लास के डब्बे से जिसके अंदर मेरी सीट भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी डब्बे के बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। नॉर्मली जिस तरह के गेट्स होते हैं उसी तरह का गेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। दोस्तों आपको यहाँ पे दो तरह के टॉयलेट मिल जाते हैं, इंडियन भी मिलता है और आपको कमोड टाइप का जो कि यूरोपियन जो आप टॉयलेट अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपको टॉयलेट मिल जाता है। तो दो टॉयलेट होते हैं, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि अमूमन हर ट्रेन के अंदर होता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है और जैसे ही हम गेट के अंदर से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका एसी का जो कंट्रोल पैनल है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए जो कोच होता है मतलब कि कोच का जो अटेंडेंट होता है वो उन सब चीज़ों को मेंटेन करता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना होना है कितना नहीं होना वो सारी चीज़ों को एक अटेंडेंट होता है वो सारा मेंटेन करता है। तो और दूसरा दोस्तों स्वच्छ भारत के तहत यहाँ पे डस्टबिन भी लगाए गए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। और नीचे की साइड में आपको यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जैसी सुविधा भी मिल जाती है कि इनकेस अगर किसी प्रकार की कुछ इमरजेंसी होती है तो उस समय पर ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। दूसरा यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन मिलता है बाहर की साइड में कि अगर आप सुबह उठ करके या शाम को या दोपहर में कभी भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं, ब्रशिंग वगैरह कर सकते हैं, तो सारी चीज़ों के लिए ये सारी व्यवस्था यहाँ पे मिल जाती है। चलिए दोस्तों मैं आपको अंदर टॉयलेट के अंदर बता देता हूँ। टॉयलेट काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलते हैं सेकेंड क्लास एयर कंडीशन के अंदर, और फर्स्ट क्लास के अंदर तो इससे भी ज़्यादा मिलते होंगे या फिर सभी के अंदर एक जैसे ही मिलते हैं। तो दोनों ही टॉयलेट काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं दोनों टॉयलेट काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों अंदर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस कोच के अंदर सेकंड क्लास का जो कोच है इसके अंदर आपको 52 सीटर ये होता है, हम कहें तो इसको 52 सीटर कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज मिलती है कि जिस तरह से हमारा जो जनरल का डब्बा होता है या थर्ड क्लास का जो डब्बा होता है एयर कंडीशन का, वहाँ पे आपको तीन मतलब बर्थ मिलती है, एक टॉप बर्थ, मिडिल बर्थ और एक लोअर बर्थ। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको दो ही बर्थ देखने के लिए मिल जाती है हर जगह पर, और साइड में भी आपको एक अपर साइड बर्थ मिलती है और एक नीचे की, यानी कि एक नीचे यानी कि इस साइड में भी आपको दो सीट मिल जाती है। और इस साइड में अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी दो ऊपर और एक नीचे, और इधर साइड में भी आपको ऊपर और नीचे, यानी कि चार और छः, यानी कि एक कंपार्टमेंट में आपको छः सीट यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। सीट काफ़ी अच्छी होती है, थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें थर्ड क्लास से तो सीटों की थोड़ी सी चौड़ाई वो है थोड़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी स्पेस भी बीच में अच्छा मिलता है, यहाँ पर बीच में आपको खाना वाना खाना है उसके लिए एक ट्रे भी मिल जाती है, यानी कि इस पर आप खाना रख के खा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको एक मिरर भी मिलता है बीच के अंदर, अगर आपको अपने बाल वगैरह संवारने हैं या सुबह उठे हैं तो आप अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर पिलो वगैरह मिल जाते हैं जो कि एसी के हर डिब्बे में मिलते हैं, कंबल आपको मिलता है ओढ़ने के लिए। दूसरा यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिलती है, जो एक रीडिंग लाइट भी मिलती है जिसको आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक मेन लाइट है जिसको कि नाइट के समय में शायद चालू किया जाता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग वगैरह के सॉकेट मिल जाते हैं, आप इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन वगैरह को, और ऊपर आपको ये बेड शीट वगैरह मिल जाती हैं। तो इस तरह का ये सेकेंड क्लास का जो डिब्बा है उसका लेआउट है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे आपको पर्दे वगैरह जरूर मिलते हैं गाड़ी के अंदर, यानी कि आप अपना थोड़ा सा प्राइवेसी रख सकते हैं, आपको पर्दे यानी कि कर्टेन वगैरह मिल जाते हैं इंडिविजुअली हर सीट के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं एयर कंडीशन के थर्ड क्लास जो कंपार्टमेंट है उसकी। इसके अंदर आपको लगभग 72 लोगों की सीटिंग मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कोच के ऊपर लिखा भी रहता है कि 72 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, तो 72 लोगों की यहाँ पे आपको सीटिंग मिलती है। और दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है वो मैं अंदर चलकर आपको बता देता हूँ। बेसिकली अंदर का जो नज़ारा होता है वो ये होता है कि जनरल का जो डब्बा होता है जहाँ पर हमें सीटिंग मिलती है, थर्ड क्लास एयर कंडीशन के अंदर आपको जो है कि ना थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। थर्ड क्लास एयर कंडीशन का जो डब्बा होता है इसके अंदर आपको तीन बर्थ मिलती है, एक साइड में यानी कि एक अपर मिलती है, एक मिडिल मिलती है जिसको कि आप दिन के समय पे फोल्ड करके बैठने के यूज में ले सकते हैं, नीचे आपको एक बर्थ और मिल जाती है, और रात को सोते समय आप जो बीच वाली बर्थ है उसको आप फोल्ड करके सोने के काम में ले सकते हैं। तो यानी कि तीन और तीन छः और सात और आठ, यानी कि आठ बर्थ आपको मिलती हैं, आठ लोगों की बैठने की व्यवस्था एक कंपार्टमेंट में होती है, जैसे कि दो लोग ऊपर बैठ सकते हैं, दो लोग बीच में और दो लोग नीचे। साथ ही आपको हर सीट के साथ में आपको कंबल मिल ही जाता है,
और आपका पिलो वगैरह है और आपका बेडशीट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एयर कंडीशन में कंपलसरी मिलती हैं। तो थर्ड क्लास का जो डिब्बा है यहाँ पे अमूमन अंतर इतना ही है कि आपको एक कंपार्टमेंट में 8 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है और बाकी में आपको जो है 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। यानी कि अगर सेकंड क्लास की बात करें तो आपको वहाँ पे 6 लोग बैठने पड़ते हैं और यहाँ पर 8। कर्टेन वगैरह आजकल सभी गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, हर क्लास के कंपार्टमेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे, आपको एक रिव्यू दिखाना चाहता हूँ पूरा का पूरा। अगर आप डिब्बे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी व्यवस्थित, थोड़ी सी सीट की जो विड्थ है थोड़ी हमें यहाँ पे चौड़ाई कम देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन सेकंड क्लास में देखेंगे तो ये थोड़ी सी विड्थ जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। प्लस यहाँ पे आपको खाने के लिए जो ट्रे है वो हर डब्बे के अंदर मिली जाती है, चाहे वो थर्ड क्लास हो चाहे वो सेकंड क्लास हो, उसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है। दूसरे यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है सेंटर में और आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे 19, 18, 17 और 21, 22, 23 यानी कि 6 लोगों की सीटिंग जो है वो इस साइड में है और 2 लोगों की सीटिंग वो जो है इस साइड में है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको सेफ जो स्टेयर्स भी मिलते हैं, यानी कि आप इनकी सहायता से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छी चीज है और एक सुविधा की चीज है पटेल सर का। तो अभी फिलहाल जो गाड़ी चली नहीं है ये, तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, अदरवाइज सारे लोग आ जाते, सारा रश हो जाता तो फिर शायद मैं वीडियो नहीं बना पाता। अब हम चलते हैं अगला फर्स्ट क्लास जो डब्बा है उसके अंदर, एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास का डब्बा। यहाँ पे भी अगर टॉयलेट्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिलता है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पे वाशबेसिन वगैरह भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिरर मिलता है जिसके अंदर आप अपना ब्रशिंग वगैरह कर सकते हैं, वॉशिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको एयर कंडीशन के जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया ऐसा, और इसके टॉयलेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक साइड में इंडियन टॉयलेट मिलता है, वाशबेसिन वगैरह मिल ही जाता है, शैम्पू वगैरह आपको मिलता ही है हर टॉयलेट के अंदर। दूसरी साइड में आपको जो टॉयलेट मिलता है वो यहाँ पे आपको कमोड टाइप टॉयलेट देखने के लिए, ये भी इंडियन है, यानी कि दोनों ही साइड में आपको इंडियन टॉयलेट देखने के लिए मिल रहा है। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ अभी अपने डब्बे में, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया सेकंड क्लास का डब्बा, उसके पीछे मैंने थर्ड क्लास का बनाई दिया आपके लिए रिव्यू, और ये जो है एक डब्बा है फर्स्ट क्लास का। यानी कि अमूमन देखा जाए तो एक ही डब्बा रहता है, मैंने भी कोशिश की थी कि मुझे इसका टिकट मिल जाए ताकि मैं इसमें सफ़र कर सकूं। अभी हम फिलहाल फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के एमिनिटीज और फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर होते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ का लुक चेंज नज़र आया है कि कुछ आपको ये जो दीवारें हैं थोड़ी मतलब कलरफुल देखने के लिए मिल रही हैं। दूसरा यहाँ के सबसे पहले मैं आपको टॉयलेट्स दिखा देता हूँ। टॉयलेट आपको यहाँ पर एक बाथरूम भी मिल जाता है, यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर आपको एक बाथरूम की सुविधा भी मिलती है, तो इट इज़ वेरी गुड। और काश मैं भी ले पाता फर्स्ट क्लास का डब्बा जो है उसका टिकट। और यहाँ पे आपको सेपरेटली एक जो है टॉयलेट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एक साइड में आपको टॉयलेट मिलता है और एक साइड में आपको बाथरूम। तो इस तरह का तो हो गया ये टॉयलेट और बाथरूम का जुगाड़। और यहाँ पे आपको डस्टबिन मिलता है इसके अंदर भी, क्योंकि आपको अगर कचरा वगैरह रखना है वो सब चीज़ के लिए। नीचे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है जिससे कि आप अपना जो है इमरजेंसी कंडीशन में उसको यूज कर सकें। ये है इसका मेन कॉरिडोर जहाँ से हम चलते हैं अंदर। तो ये है इसका फर्स्ट क्लास का जो कॉरिडोर है मेन, यहाँ से वहाँ तक आप पूरा जा सकते हैं। साइड में आपको कर्टेन लगे हुए दिखते हैं। यहाँ पर क्या है, दो तरह के डब्बे रहते हैं, दो तरह की केबिन, सॉरी डब्बे नहीं, यहाँ पर दो तरह की केबिन रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर लाइट जला रहे हैं ना यहाँ के रोशनी हो जाएगी। तो मेन तो ये रहता है पूरा एक गैंगवे रहता है, यानी कि आप यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो आप यहाँ से पूरा आगे तक जा सकते हैं। दूसरा, इस डब्बे के अंदर 24 सीटिंग्स रहती है, यानी कि सबसे कम जो सीटिंग रहती है वो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के डब्बे के अंदर रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 4 बर्थ का भी एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, दो नीचे लोग सो सकते हैं। दूसरा, बीच में काफ़ी सारी जगह मिलती है यहाँ पे, मतलब कि स्पेस की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पैसा इतना ले रही है तो हमें इतनी सुविधा तो देनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर आपको बीच में मिरर मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास सभी में भी मिलता है। दूसरा, आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग वगैरह के पॉइंट मिल जाते हैं आपके। यहाँ पर आपको ऊपर जो है रीडिंग लाइट सेपरेटली मिल जाती है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक अलग से ट्यूबलाइट दी गई है इसके अंदर, बीच में तो कोई ट्यूबलाइट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम वगैरह का एक कंट्रोल दिया गया है, मेरे ख्याल से रेडियो चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं है, पर एक प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है। चलिए हम दूसरे डब्बे में देखते हैं चल करके। यहाँ पर ये जो दूसरा डब्बा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, मेरे ख्याल से स्पेस के कारण इसको एडजस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको 2 लोगों की ही सीट मिल रही है, यानी कि इस कंपार्टमेंट में आप 2 ही लोग बैठेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक व्यक्ति मतलब 2 लोगों के लिए दिया जाता है।
तो दोस्तों ये काफी अच्छा डब्बा है, काश मैं भी इसमें सफर कर पाता। इसके अंदर चल के देखते हैं तो हमें यहाँ पे काफी बड़ा सारा मिरर यहाँ पे मिलता है बीच में, जो कि दो लोगों के हिसाब से दिया गया है। और यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग वगैरह के पॉइंट भी मिल जाते हैं। 20 और 19 दो लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे आपके जो है कारपेट्स वगैरह रखे हुए, टॉवेल, इसमें आपको टॉवेल भी मिलता है। हाँ, मैंने आपको ये चीज बताई नहीं कि इसके अंदर आपको टॉवेल वगैरह भी मिल जाता है। सीट काफी अच्छी है, इसके ऊपर सोने का मजा आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी चौड़ी सीट मिलती है हमें यहाँ पर, और हम इसके ऊपर आसानी से लेट के सो सकते हैं। पिलो भी काफी अच्छे हैं, और पिलो के नीचे आपको यहाँ पे कारपेट वगैरह भी मिल जाता है। ऊपर वाले पैसेंजर को चढ़ने के लिए यहाँ पर स्टेयर्स दी गई हैं, जिससे कि आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल्स वगैरह रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास का एक डब्बा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास के डिब्बे के अंदर का पूरा डिटेल बताने की। यहाँ पे दो तरह की सीटिंग रहती है, 24 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। एक तो होता है 4 लोगों का केबिन और एक होता है 2 लोगों का सीटिंग यहाँ पर। तो ये 2 लोगों की मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक और केबिन। तो काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है। मैं इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि मैंने तत्काल में इसका टिकट बुक करने की कोशिश की थी कि काश मुझे भी फर्स्ट क्लास का टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और मैं आज सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये था रिव्यू भारतीय रेल के फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास और सेकंड क्लास, इन तीनों तरह के जो डब्बे हैं एयर कंडीशन के, उनका सारा का सारा इंटरनल रिव्यू। थक गया हूँ दोस्त, गर्मी काफ़ी लग रही है, मुझे जाना है दिल्ली। आपको एक दूसरे वीडियो के अंदर वो सारी डिटेलिंग मिलेगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली ऑटो एक्सपो में अटेंड करने के लिए। तो फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना एयर कंडीशन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूँ। तो अभी तक मैं बैठा नहीं हूँ एक मिनट के लिए भी अपनी सीट पर, अब जा करके थोड़ा सा पानी पी करके अपनी सीट पर मैं बैठूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करता हूँ मैं क्लोज यहीं पर, और जय हिंद जय भारत, दिल्ली में मिलते हैं।